नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र के रहने वाले भवानी सिंह और उल्फत सिंह के बैलों की जोड़ी का 2 दिन के अंतराल में मौत हो गया। इसके बाद दोनों किसानों ने अपने बैलों का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू धर्म के सनातनी विधि विधान से किया। किसान भवानी सिंह ने बताया कि दिवंगत होने वाले परिजनों की हस्तियों का विसर्जन हर की पौड़ी गंगा में होती है, इसलिए वह अपने बैलों की अस्थियों का विसर्जन करने भी हर की पौड़ी गए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही अपने तीर्थ पुरोहित पंडित उमेश पाठक के माध्यम से वो बैलों का श्राद्ध कर्मकांड भी किया। इसके बाद घर लौटकर त्रयोदशी संस्कार भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने निमंत्रण पत्र भी छपवाए हैं और आसपास के लोगों में न्योता भी भिजवाया है। 13वीं के आयोजन में 3000 के लगभग अपने परिचित को बुलाकर आयोजन में सम्मिलित हुए। जिले के भानपुरा तहसील के ग्राम पंचायत अंतरालिया के गांव बाग का खेड़ा में 26 दिसंबर को विधि विधान से 13वीं का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके लिए उनके द्वारा शोक पत्रिका तथा गंगा माता का गंगोज तथा प्रीतिभोज का आयोजन किया गया है। देखो तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो बैल श्रेष्ठ माने जाते हैं, और इस हिसाब से अगर हर हिंदू धर्म के हिसाब से देखे तो पहले गौ आती गौ माता के हिसाब से, तो हर हिंदू को करना चाहिए। और किसान का तो मेन यही है कि किसान और बैल, आज तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती करते तो खर्चा बढ़ता है, और बैलों की खेती तो हमेशा बिना खर्चे की खेती है। तो इसलिए क्या है कि हम संदेश देना चाहते हैं कि हर आदमी बैल के हिसाब से ये करे। देखो बैलों का अगर कारण अगर जानना चाहें अपन, भारत हिंदी संस्कृति मानी जाती है परंपरा के अनुगत, इसे एक हम परमात्मा के रूप में बैलों को मानते हैं, क्योंकि बैलों ही ने हमें अन्नदाता के रूप में खेती का एक बहुत बड़ा विकास के क्षेत्र में ले जाते हुए बैलों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं हम। और बैलों की वजह से ही आज किसान लगभग ये टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी आई ये बैलों की ही टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से हम काश्तकार लगभग बैलों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हैं शासन की या गाँव वाले की, बैलों को पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के ग्राम धमना पुल पर एक ट्रक और ट्रैक्टर के आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा हुआ। मुस्लिम महिलाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार गंभीर है, इसी के तहत रायबरेली की मुस्लिम महिलाओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है। मुस्लिम महिलाओं ने जिलाधिकारी से मिलकर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को और त्वरित गति से लागू करने की अपील की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष के साथ जिलाधिकारी से मिलने पहुंची मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी और योगी सरकार ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उनके न केवल जीवन में सुधार आया है बल्कि वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करती हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि वो इसके लिए जिलाधिकारी से मिलकर मोदी सरकार का धन्यवाद देने के साथ ही उनसे ये अनुरोध भी किया कि योजनाओं को और त्वरित गति से लागू करें। जी, हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं। हम मोदी जी ने हम लोग का जीवन स्तर सुधारा है, जैसे कि उन्होंने गैस सिलेंडर दिलवाया है, ई श्रम कार्ड बनवाए हैं, 5 लाख फ्री इलाज के लिए और कानूनी पास करवाई है। हम लोग मुसलमान बहनें इसीलिए बहुत खुश हैं उनसे, और आगे 2024 में हम लोग उनके लिए दोबारा उनको जितवा कर वोट देना चाहते हैं ताकि सरकार मोदी जी की बन सके। झांसी में बघेरा की ओर से आ रहा 16 चक्का डंपर ने तहरौली के हनुमान जी मंदिर तिराहे पर एक मूंगफली थ्रेसर में जोरदार टक्कर मार दी। तहरौली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बघेर की ओर से आ रहे एक बालू से भरा डंपर ने जब हनुमान जी मंदिर की मोड़ के पास पहुंचा तभी ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण अचानक तिराहे पास एक बालू से भरा ट्रक मूंगफली थ्रेसर से टक्कर मारता हुआ पलट गया, जिसमें कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह राणा ने बताया कि आज
मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया के कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उनकी मांगों पर ध्यान देकर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप नमरदार, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल राणा, प्रदेश महासचिव शहनाज खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारी मासिक मीटिंग थी, वैसे तो 23 तारीख में होती है, लेकिन बीच में छुट्टियां रही, इस वजह से आज हम ये अपनी मासिक मीटिंग की है और डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मांगे हैं, जैसे मुख्यतः मांग है हमारी किसान आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया जाए, क्योंकि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो बहुत ज़ोर शोर से सड़कों पर और सदन में शोर मचाती थी कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए। लेकिन जिस दिन सत्ता में आई है, जिस दिन से, उस दिन से आज तक इस चीज़ का जिक्र इन लोगों ने नहीं किया है। वहीं सहारनपुर में ट्रैक्टर से बैटरी चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी। ट्रैक्टर से बैटरी चोरी के आरोपी को पिलर में बांधकर पिटाई की गई। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं गंभीर हालत में ग्रामीणों ने बैटरी चोर आरोपी को थाना चिलकाना पुलिस को सौंपा। पुलिस ने मुकदमा लिखकर आरोपी को जेल भेज दिया है। वायरल वीडियो थाना चिलकाना क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। हमीरपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में आए हुए लोगों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। भाजपा नेता शिवशंकर सिंह और हमीरपुर नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने बाइक चालकों को हेलमेट वितरित किए। इसके साथ ही 200 से अधिक लोगों को पुलिस परेड ग्राउंड में हेलमेट बांटे गए। कार्यक्रम में भाजपा के अन्य पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जहाँ तक सड़क सुरक्षा का प्रश्न है और ये हेलमेट वितरण का प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक थॉट है कि डू समथिंग फॉर क्रिएशन, कि अगर मनुष्य हो तो कम मनुष्य के लिए जियो और मनुष्य के लिए कुछ करो। तो ये एक अच्छा सड़क सुरक्षा के प्रति एक समाज सेवी का अच्छा प्रयास है। मैं सड़क सुरक्षा जो पखवाड़ा ये मनाया जा रहा है, आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए यह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और यहाँ के प्रशासन, पूरे प्रदेश का प्रशासन बड़े ही तन्मयता से ये कार्य कर रहा है। उसी कड़ी में भगवान ने जो मुझे सामर्थ्य दिया है। बहराइच में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले दर्जनों कोटेदारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और वन नेशन वन राशन कार्ड के तर्ज पर वन नेशन वन कमीशन की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी मोनिका रानी को सौंपा। अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाणा, वहां पर प्रति क्विंटल के हिसाब से 250 रुपया कोटेदार को कमीशन मिलता है। गोवा में प्रति क्विंटल के हिसाब से 200 रुपये, केरल में प्रति क्विंटल के हिसाब से 200, महाराष्ट्र में प्रति क्विंटल के हिसाब से 150, राजस्थान में प्रति क्विंटल के हिसाब से 125, तो गुजरात में 20,000 रुपये का मानदेय में दिया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में कोटेदारों के को प्रति क्विंटल के हिसाब से मात्र 90 रुपये का ही कमीशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एक समान व्यवस्था पूरे देश में लागू हो और सबको एक समान कमीशन मिले। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी 2024 के राशन विक्रेता राशन वितरण नहीं करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राशन प्रशासन की होगी। मैं मुझे श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष आलो फेडरेशन उत्तर प्रदेश का जिला अध्यक्ष बहराइच कोटेदार संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय आ पाए हैं, क्या है मामला? ये हम लोग आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड है, उसी के तहत वन नेशन वन कमीशन हम लोग का होना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है। 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, अन्य प्रदेशों में 200 रुपये, 250 रुपये, जबकि गुजरात में मानदेय हम लोग बांध दिया गया 20,000 रुपये। इसी के तहत हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल के लिए 1 तारीख से हमारी प्रस्तावित है, जो कि ज्ञापन देने के लिए। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड मुहिम के तहत जनपद पौड़ी पुलिस भी नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान छेड़े हुए, जिसके तहत अवैध नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते एक साल में
एनडीपीसी एक्ट के तहत 50 से अधिक अभियुक्त पंजीकृत करते हुए एएनटीएफ और पुलिस टीम द्वारा लगभग 5 किलो से ज़्यादा अवैध मादक पदार्थों को बरामद किया गया है। साथ ही 200 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है। बता दें कि अवैध नशा तस्करों के खिलाफ नशे की खरीद फरोख्त पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाते हुए कुछ मामलों में संपत्ति जब्तीकरण तक की कार्रवाई की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मुहिम है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, उसके तहत पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी पुलिस द्वारा, कोटद्वार पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें हमारी एएनटीएफ की टीम भी सम्मिलित थी। 1 किलो 700 ग्राम चरस जो है वो बरामद की गई है। एक होटल स्वामी है जो होटल की आड़ में इसका धंधा कर रहा था, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पूरे साल में अगर देखा जाए तो एएनटीएफ और पौड़ी पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। लगभग 5 किलो से ज़्यादा की हमारी चरस, अवैध चरस जो है, उसकी बरामद की गई है। ऋषिकेश शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। ऋषिकेश के साथ देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और विकास नगर में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का प्रस्ताव जल्द ही भारत सरकार को भेजा जाएगा। भारत सरकार से प्रस्ताव पास होते ही ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लग जाएगी। बता दें कि वर्तमान समय में ऋषिकेश के अंदर ई रिक्शा की संख्या करीब 2500 पहुंच चुकी है। ई रिक्शा के चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपने ई रिक्शा को हाईवे पर दौड़ा रहे हैं। यही नहीं, मनमाने तरीके से जगह जगह ई रिक्शा चालकों ने अवैध स्टैंड भी बना दिए हैं। सवारियों की मारामारी के चलते चालक ई रिक्शा को जीरो जोन और नो पार्किंग में भी खड़ा कर ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी से उतारने का काम कर रहे हैं। कई दफ़ा ट्रैफिक पुलिस ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था को बनाने के बारे में चर्चा कर चुकी है, फिर भी नतीजा अब तक सुनिए रहा है। ऐसे में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने मामले का संज्ञान लिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ई रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2 अज्ञात टप्पेबाजों ने भाजपा नेता की पत्नी को सम्मोहित कर कहा कि आप बिक्के बेटे के ऊपर शनि का साया है। उसके बाद रुपयों से भरा बैग, चैन, अंगूठी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे पर हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। सूचना पर सीओ सिटी पुलिस बल के साथ पहुंची पुलिस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। लोग बाजार आए हुए थे, वापस घर जा रहे थे, तो जाते हुए 2 लोग मिले। उन्होंने कैसा क्या किया, माइंड डाइवर्ट किया और क्या क्या जादू टोना वाली बातें बताई। और फिर हमारी सासू माँ ने उनको पर्स, चेन, अंगूठी सब कुछ निकाल करके दे दिया, जिसको लेकर के वो लोग चले गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने घर पे सूचना दी और आ करके तब पुलिस आई और पूरे वाक्य की जानकारी दी गई सभी को। थाना कोतवाली शहर में सिनेमा रोड के पास एक टप्पेबाजी घटना हुई है, जहां पर 2 महिलाएं खरीदारी के लिए मार्केट में आई हुई थी। तभी 2 अज्ञात व्यक्ति, उनके द्वारा ये बताया गया कि आपके पोते पर शनि का संकट है। ये बात कर बेवकूफ बनाकर उनसे उनके पर्स से मोबाइल ले लिए गए। उपरोक्त प्रकरण में उनसे तरी ली जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम अठोदना में जमीनी विवाद के चलते एक ग्राम बंगू ने छत से फेंक दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। रक्सा थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जानकारी दी गई कि ग्राम अठदोना में रूप सिंह कुशवाहा रहते हैं। इनका नगर निवासी कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने बताया कि मंगलवार की दोपहर विपक्षी नगर निवासी रूप सिंह के घर आए, जमीन को लेकर छत पर बैठकर वार्तालाप कर चल ही रही थी। इसी दौरान विवाद हो गया, जिसके चलते विपक्षी ने रूप सिंह को छत से फेंक दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। उधर घटना को देख दर्जनों लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटना पर साक्ष्य एकत्रित कर घटना के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। वहीं देर शाम सूचना मिली कि घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।